ये देख लो स्कीम वाली चीजें खरीदता है 35 रुपए वाली लेस के साथ, मरिंडा फ्री है। ये ऐसी चीजें ढूंढता है यहाँ, यहाँ गरीबों की कोई जगह नहीं है। 35 रुपए की चीज लेके अब कोई और चीज ढूंढता है जिसके साथ कुछ फ्री हो। अगर अपने ब्लॉग स्टार्ट करा कल तो ये वाली क्लिप जरूर डालेंगे हम। वेलकम बैक टू माय चैनल, पहली बोल देता हूँ। ये गरीब अब भी ढूंढ रहा है, 35 रुपए खर्च दिए बहुत है। गाइस सबसे बड़ी खुशखबरी, कन्नू भाई की लश्कीरी चल गई, नाक से खून आ रहा है, वो निकल गया गेम से आउट हो घर चला गया बेचारा, उसके नाक से बहुत ज्यादा खून आने लग गया अपने। 2500 की कॉफी गाइस, 2500 की कॉफी पड़ गई। अरे यार तो ये क्या हो गया बहनचो, मैं देख रहा हूं जी जी दबा के ना अलार्म दला, कितने देख वो बहनचो एक चक्कर आ रे अबे हट ओ ब्लॉगर का मत कर अरे बोर्ड में तो हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और अंदर की चीजें देख ही ली होंगी इस गरीब की, हम तो अपना तुम्हें पता, हमने अपना स्टफ ले लिया। 110 रुपए का पूरा सामान है गाइस, 110 रुपए का हमारी भाई हुए। हेलो एक्सक्यूज मी, 400 रुपए की दवाई है, 400 की दवाई गेट रेट में पीते हैं भाई, बहुत पैसा है, अंधा पैसा है गाइस, गेट रेट में दवाई में पीते हैं हम। इनके हाथ की तो मिट्टी भी सोना है जाना, दादी ने दिए तो क्या हुआ, पलोगे ऐसी। तो गाइस अभी हम बताएंगे नहीं आज का व्लॉग हमारा किसके ऊपर होने वाला है, क्योंकि अभी डिसाइड नहीं है, इस पे पैसे नहीं है, चुप रहा, अभी डिसाइड नहीं है कि हम व्लॉग बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, वो आपको पता लगेगा आगे। अब डिक्की से हटना, मैं गरीब 30 रुपए तो मेरे से लिए हैं, 110 रुपए का बिल है, उसमें इतनी बातें इसने कर दी बहन की, ये हो गया वो हो गया, ये दे दो वो दे दो, भाई बिल भी दो, इन्हें बिल भी दो, जाना ड्राइवर रखा हुआ अभी गाड़ी चलाएगा वही कपड़ा मारेगा, कारें हमने ऐसी खड़ी कर रखी है, अपना ये है एक हॉस्पिटल खरीद रखा है, एक ऐसी कार की कारें खड़ी रहती है, पेट्रोल पंप भी अपना है, कोई दिक्कत नहीं, ड्राइवर पाले हुए। वो बैनर खरीदी वो लटका हुआ 4 साल से नहीं। तो गाइस मिलते हैं सुबह, अगर ये ब्लॉग स्टार्ट करेंगे तो मिलते हैं सुबह, वरना गुड बाय, ये ब्लॉग आएगा ही नहीं। देखो भाई कब्जी की दवाई खा रहा है, देखो खांसी हो रही है, ये खांसी नहीं है कब्जी की, इससे पता लग जाएगा, चूतिए गांड पे लगाते हैं। कब्जी हो रही है कब्जी, हाँ भाई ठीक है, तू देख ले अभी तेरे होगी, अगर नहीं जा रहा इससे 30 रुपए मेरे लिए है ना बद्दू है, अगर नहीं ओए बैठ, ओए 30 मैंने दिए, ओए ओए बैठ, ओए मैंने दिए रहने दे, मेरा कब्जी खत्म, कब्जी खत्म, कब्जी खत्म, देख रहे हो डॉक्टर ने स्पेशल बोला गेट रेट में कब्जी खत्म होगी ना भाई, पैसा इतना है, डॉक्टर ने बोला नल के पानी से पियो, तो तुम्हारा भाई तुम्हें पता है VIP, चलो वो दिखा जल्दी हॉस्पिटल पे, अच्छा तेरा ये बैंक भी देख केस स्टार्ट है इसके, खुद का खुद का हॉस्पिटल है, कब्जी खत्म नहीं हो रही इसकी, कब्जी खत्म नहीं हो रही इसकी, चलो अब कब्जी खत्म होगी, देखो गाइस कहीं पर भी चेक कर लेना है कब्जी की। ओए हरा हरा दिख रहा है, समझ जाओ इससे कब्जी है लड़के के, तेरे देख बवासीर है, अपना इलाज करवा ले पहले, अरे सीधे हैं एकदम, कोई दिक्कत वाली बात कौन नहीं, दो ढक्कन पीनी है, दो ढक्कन पस खत्म करनी है। पस खत्म, आधा घंटा और मम्मी के फोन आ गए थे, और अभी हम आ रखे हैं रूम बुक करवाने, क्योंकि हमारे गेस्ट आ रहे हैं, धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा वो गेस्ट कौन हो गए हमारे, यही साइड में लगा दे भाई, ज़्यादा आगे आ गया, गाइस रूम बुक करवाएंगे उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूँ आज का व्लॉग हमारा होने वाला है हमारे स्ट्रगल के ऊपर, कि हम मेहमानों के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं, नींदें ख़राब, सब कुछ ख़राब, इसकी शक्ल ख़राब, वो भी हमें मैनेज करना है, फोन ख़राब, तेरी कुर्सी ख़राब, तेरा नाक ख़राब, तेरा गला ख़राब, वो भी हमें मैनेज करनी है, आज हमें हर चीज़ मैनेज करनी है, मतलब
सोए तो है नहीं, हम आधा घंटा सोए और ये तो बिल्कुल ही नहीं सोया, इसी ने उठाया मेरे को। तो अभी हम नाम ले रहा भाई अभी हम आ चुके हैं हमारे यहीं पे, मतलब रूम बुक होते हैं इधर मैं कैफे गया तो रूम बुक कराते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस हम अभी आए हैं, काजा सो रहा है, इसको उठाते हैं। तो गाइस हमें रूम नहीं मिल रहा है, अब सुननी पड़ेंगी गालियाँ मम्मी से। अभी देखते हैं कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, काजा बोल रहे हैं 10 बजे आना है, तो जो भी बंदा भाई बैठे हुए हैं तो देखते हैं क्या होता है, फ़ोन करके पता करते हैं, बाकी हर जगह पता कर रहे हैं। गाइस फाइनली रूम हो चुका है कंप्लीट, रूम का जो भी काम था करवाना था, डेढ़ घंटे से आते सूख चुकी है हमारी, और ये बेशरम अभी आइसक्रीम खा रहा है बिना पूछे मेरे को सुबह सुबह वो भी। अब हम निकलते हैं थोड़ा नई दिल्ली स्टेशन के लिए, क्योंकि वहाँ से हमें पिकअप करना किसी को पता लग गया, कुछ प्यारे लोग हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके थे नई दिल्ली स्टेशन, बोतलें इसने नीचे कर ली हैं क्योंकि इसमें मैं पानी वाला बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। और अभी हमें नई दिल्ली स्टेशन पे वेट कर रहे हैं, उनका पानी वाली ले कर रख रहे हैं, तो बने रहिए। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो इतनी धूप में काम कर रहा हूँ मैं, और घर आ गया था मैं, उनको होटल तक पहुँचा दिया जो भी आए हैं, और अब जा रहा हूँ थोड़ा घर, थोड़ा काम है फिर उनको लेके आएंगे घर पे। गाइस मैं और विनू आ रखे हैं, मतलब हम सभी आ रखे हैं लेने, जो हमारे गेस्ट आने वाले थे, मामी मामी नानी वगैरह सब लेने आ रखे हैं, तो अब दिखाते हैं आपको। फाइनली आ चुके हैं हमारे जीजा जी, इनकी मम्मी वगैरह, मनीष भाई, दीदी वगैरह सब मिल रहे हैं। देख सकते हो इधर बन रहा है डोसा, हम आए डोसा लेने मैं और वीनू, देख लो कितना काम करना पड़ रहा है, कितने मेहनती बच्चे हैं, सारी जिम्मेदारी हम पे, सारी जिम्मेदारी हम पे है, डोसा पैक करवा के मिलते हैं। गाइस सबसे बड़ी खुशखबरी, कन्नू भाई की नस्कीरी चल गई, नाक से खून आ रहा है, वो निकल गया गेम से आउट हो घर चला गया बेचारा, उसके नाक से बहुत ज़्यादा खून आने लग गया अपना। तो यही है, यही होता है गाइस, मतलब ऐसे फालतू हर किसी का खा लेते हो, आराम भी खा लेते हो तो ऐसे ही निकलती है। थोड़ा फैमिली टाइम चल रहा है, तो बिजी रहने देते हैं गाइस, ये देखो ये हो जाती है तबीयत खराब, तबीयत खराब ही होगी, इतना आराम के खाते हैं तबीयत खराब हो जाती है, कभी कभी नाक से खून, कभी कान से खून, कभी ऐसे ही होता है गाइस, जब ही समझाते हैं मत खाया करो इतनी हराम की। पहले वाले पचे नहीं है तो और मंगवा, और मेरे लिए भाई वो ठीक है, प्लेट देख लो किसके आगे पड़ी है, ये होते हैं, ये होती है हालत इस टाइम बाद गाइस, तो आप भी ऐसा हाल है अगर तुम्हें देख लो, और तो खुद भी तो खा रहा है यार, खुद कर यार गाइस खा गया आज। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं किसी काम से, थोड़ा अभी बताऊंगा नहीं ना, सीधा जब ही देखेंगे सीधा। तो कुणाल तो सो गया, उसकी बैटरी डाउन होगी पहली, नाक वाक से खून आ रहा था बेचारे की, तबीयत ख़राब हो गई है, और मैं और मेरे चीजा आ रखे हैं काम से, और मनीष भाई भी हैं वो गाड़ी ला रहे हैं, मम्मी और का वेट चल रहा है, बाकी देखते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में, फ़ोन में चार्ज हुए, बाय। फाइनली मैं बता दूँ, हम आए थे बैंड बुक करवाने शादी के लिए, क्योंकि ये बॉम्बे से हैं, इन सबको इतना पता नहीं है बैंड वैंड के बारे में, तो हम इन्हें लेके आए चावला बैंड पे, तो अंदर सब बात बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा बाहर आ गया, ज़्यादा ही लंबी बातें हो रही हैं, बात कर रही है, अभी मिलते हैं। अंदर आ गए, सब चल रहा है देख रहे हैं, तो बोलने की जरूरत नहीं है, आ गए घर पे, खाना वाना खा के मिलते हैं, चार्ज करके फोन मिलते हैं। गाइस हमने खाना वाना खा लिया था, और
अब जा रहे हैं थोड़ा होटल छोड़ने, थोड़ा बहुत इन्हें फ्रेश होने के लिए, मतलब थोड़ा नहा धो के लिए आएंगे दोबारा हमारे साथ, फिर चलते हैं घूमने। अभी थोड़ा हम इन्हें अपने घर घुमाएंगे, हाँ मैच तो थोड़ा घुमाएंगे इन्हें, कई बंदों की तो टीमें ही बाहर हो गई है, किसी ना किसी को फाइनल तो पहुँचा नहीं है। हाँ तो मिलते हैं गाइस रेडी वेडी होके थोड़ा। तो गाइस हम आ चुके हैं घूमने सीपी, नहा धोके थोड़ा मतलब फ्रेश करके मूड होके नया ना धोया तो कोई भी नहीं है। और कन्नू भाई देखो जा रहे हैं, इनको थोड़ा घुमाने लाया, इसके बाद जाएंगे इंडिया गेट, तो थोड़ा बहुत घूम के फिर लेके चलेंगे वापस घर। थोड़ा बहुत इन्हें घुमाना था तो इसीलिए घुमाने लाया, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइस बैठ चुके हैं स्टारबक्स में, ये ऊपर वाला फ्लोर है, नीचे वाला फ्लोर पूरा भर चुका है, ऐसी जगहें भी भरती हैं, पहली बार देखा मैंने। भाई ऑर्डर ये तो आ रखा है, आता ही रहता है फ्री में, आता ही रहता है। कितना था? 2500 की कॉफ़ी गाइस, 2500 की कॉफ़ी पड़ गई। मामा चेक कर रहे हैं कैसे बन रही है 2500 रुपए की कॉफ़ी, पानी ना मिला दें हैं। तो गाइस आज से स्टारबक्स आना बंद, आज वहाँ जाएंगे ना अपने वहाँ वाले पे, तो मिलते हैं पीते हैं। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं बंगला साहिब गुरुद्वारा, यहाँ पे अब करेंगे यहाँ पे एंट्री, अंदर जाएंगे मत्था वगैरह टेकेंगे, उसके बाद चलेंगे कुछ खाने। जूते उतर रहे हैं, जूते चप्पल, ये योगी शक्लें देखो हमारी, अब जाते हैं अंदर। गाइस अभी हम आए बाड़े कुछ खाने के लिए लेने, और कहीं तो गए नहीं, यही आए खाना वाना लेने, हम घर पे बैठ के सब खाना वाना खाएंगे, तो मिलते हैं। अबे वो इसका हमेशा का व्लॉग स्टार्ट कर लेगा, खाना खाते समय खाना दिखता है कुछ बोलूंगा, हाथ में क्या तेरे, ये दिखा पहले, खाना है क्या, अब तो मैं खा सकता हूँ, हाँ मैं भी खा सकता हूँ, फिर नाक से खून निकलेगा। सब मान गए, ये नहीं माना। मॉर्निंग गाइस, जी दबा के ना अलार्म दबा, कितनी चक्कर आ रहे मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। तो गाइस बहुत भी दिखा दिया यार, तो गाइस डे टू जैसा कि आपने देखा लिफ्ट में फंस चुके थे बहुत गंदा, अलार्म बजाया वो अपने अभी खुल गई, पता नहीं क्या हो रहा था, और अभी हम आए हैं थोड़ा घुमाने, तो थोड़ा कैफे वगैरह हमारे यहाँ मजबूत टू लगे एक्सप्लोर करवा रहे हैं। तो गाइस एक बार फिर से हम लिफ्ट में, पर इस बार बंद ना हो ये चाहते हैं, इस बार ओवरलोड नहीं होगी लिफ्ट, क्योंकि तीन ही जने हैं, ओवरलोड हो गई थी, घंटी तो बज रही थी इसकी। अब हम आए रूफ का है कैफे, जिसकी वजह से हो गई थी वो बाहर है, वो बाहर है हमारे कन्नू भाई, कन्नू भाई बहुत ज्यादा खाते हैं ना तुम्हें पता है, उसका अलग लेवल है। तो गाइस हम आए रूफ का है कैफे, व्यू चेक करो, ये अपना मजनू टीला, अब चेक करो बहुत दिन कैफे आए हैं इधर से मैच व्यू नहीं देखा।
गाइस इसी के साथ करेंगे ब्लॉग को एंड, इनको करते हैं गुड बाय टाटा सबको, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, गुड बाय।